नमस्कार दर्शकों, आस्था परिवार की ओर से आप सभी को गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गणेश महोत्सव पर पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। महाराष्ट्र में मनाया जाता है यह गणेश महोत्सव, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो भारत के कोने कोने में भक्त मनाते हैं गणेश महोत्सव। दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों का कहना है कि इन 10 दिनों में भगवान गणेश विराजमान होते हैं पृथ्वी पर। पंडालों में तो भगवान की मूर्ति रखी ही जाती है, मंदिरों में भी रखी जाती है, लेकिन सामर्थ्य अनुसार सभी भक्तजन अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित कर उनकी पूजा और आराधना करते हैं। दर्शकों, ऐसा भी कहा जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि गणेश महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आइए दर्शकों, हम गणेश महोत्सव से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी पर्व मनाया जाता है। गणेश पुराण में वर्णित कथानुसार भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी के दिन समस्त विघ्न विधाओं को दूर करने वाले कृपा के सागर तथा भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश का आविर्भाव हुआ। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। एक कथानुसार एक बार माँ पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक सुंदर पुतला बनाया और उसे सतीव कर दिया। उसका नाम पार्वती जी ने गणेश रखा। फिर उसे अपना द्वारपाल बनाकर पहरा देने का आदेश देकर स्नान करने चली गई। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर आए और दरवाजे के अंदर प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश जी के सिर को काट दिया। जब माँ पार्वती ने अपने पुत्र गणेश का कटा हुआ सिर देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गई। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवताओं ने माता पार्वती की स्तुति कर उनको शांत किया और भोलेनाथ से बालक गणेश को जीवित करने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवताओं के अनुरोध को स्वीकार करते हुए एक गज के बच्चे के कटे हुए सिर को श्री गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया और तभी से मनाया जाता है यह गणेश चतुर्थी का महापर्व। Bali.
एक बरस के इंतजार के बाद 10 दिनों तक बड़े ही भव्य और धूमधाम तरीके से गणेश चतुर्थी पर्व मनाया जाता है। इस पूजा में बड़ी ही श्रद्धा और भक्तिभाव देखने को मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि 10 दिवसीय इस उत्सव के दौरान भगवान शिव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं। गणेश उत्सव की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती है। मूर्तिकार बड़े ही उत्साह के साथ भगवान गणेश की मूर्तियां बनाते हैं और लोग अपनी पसंद के अनुसार मूर्तियां बनवाते हैं। एक ओर जहां मूर्तिकार भगवान गणेश की मूर्ति को सुसज्जित और आकर्षक ढंग से बनाने का प्रयास करते हैं, तो वहीं यदि दूसरी ओर देखा जाए भगवान गणेश के चित्र भी बड़े ही उत्साह के साथ बनाया जाता है। दर्शकों, अभी आपने हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत ये जाना कि किस प्रकार से भगवान गणेश का महोत्सव पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। घरों में भी लोग मूर्तियाँ स्थापित कर रहे हैं। हम आपको ये बता दें, एक ओर जहाँ मूर्तिकार बड़े ही भक्तिभाव से मूर्ति की स्थापना करते हैं या मूर्ति को बनाते हैं, उसी तरह से अगर दूसरी ओर देखा जाए तो चित्रकारी का भी एक अपना अहम महत्व होता है। चाहे वह चित्रकारी भगवान गणेश की हो, दुर्गा माता की हो, हनुमान जी की हो, विभिन्न तरह के अलग अलग तरह के चित्रकारी बनाए जाते हैं। हम आपको इस कार्यक्रम में कुछ नया करने के तहत आपको एक ऐसी कलाकार से मिलवाऊंगी जो भगवान गणेश की अलग अलग प्रकार की चित्रकारी करते हैं। आइए दर्शकों, हम आपको ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से एक चित्रकार जब भगवान गणेश की मूर्ति की चित्रकारी करता है तो क्या भावनाएं उमड़ती हैं उसके मन में, क्या श्रद्धा उमड़ता है उसके मन में। अब हम आपको मिलवाते हैं चित्रकार सुदीप रॉय जी से, जो भगवान गणेश जी की चित्रकारी कर रहे हैं, और देखते हैं कि चित्रकारी में किस तरह से भक्ति के भाव उमड़ते हैं। हम लोग जो गणेश उत्सव बनाते हैं, उसके जो फेस्टिवल हम बनाते हैं, ये खाली पर्टिकुलर कोई जात व किसी का नहीं है। हमारा हिंदुस्तान के, मैं हिंदुस्तान बाहर पे भी जहाँ गया, मैं ऑलवेज देखते हैं जो इसका उत्सव बहुत अच्छा ढंग से होता है, और किसी का घर पे गणेश जी का मूर्ति नहीं तो पेंटिंग जरूर होता है। मैं आपको और एक पेंटिंग जो अलग ढंग से, अलग स्टाइल है, अलग टेक्निकली ऑल्सो डिफरेंट, वो वॉश पेंटिंग है। ये गणेश जी का थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में है। हम लोग क्या लड्डू देखते हैं और कुछ देखते हैं, मैं यहाँ पे गणेश जी का हाथ में बाँसुरी दिया मैंने, बांसुरी और एक लोटस के ऊपर बैठे हैं। पीछे कभी समुद्र में लोटस नहीं होते, लेकिन मैंने यहाँ पे पीछे के समुद्र का एक रूप दिखाने का कोशिश किया। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर दिया ड्रेस में, ये ग्रीन कलर मैंने दिया इसीलिए अभी नेचर का ऊपर, एनवायरनमेंट का ऊपर हमारा काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। दो चीज़ में इसका पेंटिंग के थ्रू मैंने बोलने का कोशिश किया, एज ए आर्टिस्ट खाली पेंटिंग बनाना नहीं है, साथ साथ में सोसाइटी को कुछ मैसेज देना चाहिए। मैं साथ में आओ एक पेंटिंग आपको दिखाने जाते हैं। मैंने यहाँ पे गणेश जी का बैठने का जो मुद्रा है, गणेश जी का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो देखने का कोशिश। ऑरेंज कलर मैंने साथ में दिया, ऑरेंज कलर मेरा मन से लगता है इट इज सिंबल ऑफ टैग। गणेश उत्सव में सब एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होते हैं, तो एक मिलन का भी उत्सव है। ये उत्सव हमको खाली हिंदुस्तान में नज़र नहीं आता, हिंदुस्तान में हर जगह पर नज़र आता है, हिंदुस्तान बाहर में भी जब जाता है ये चीज़ भी एक ही लगता नहीं, मैं जब बाहर जाता है लगता नहीं हिंदुस्तान का बाहर है। वहाँ पे भी गणेश उत्सव जिस ढंग से, जिस तरह से पालन होता है, यहाँ पे भी सेम एक स्ट्रक्चर में होता है, तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं है। ये हमारा लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। हम चाहते हैं ये उत्सव आप लोग बहुत एंजॉय कीजिए। ये उत्सव में सबसे शुभकामना, दोस्ती रखिए।
वैसे तो गणेशोत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र का गणेशोत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में पुणे का गणेशोत्सव जगत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को मंगलकारी देवता के रूप में मंगल मूर्ति के नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में श्री गणेश की विशेष लोकप्रियता कला शिरोमणि के रूप में है। जम निर्विकल्पम निराकारमेकम निरानंदमानंद अद्वैतपूर्णम परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम परब्रह्म रूपम गणेशम भजे गणेशोत्सव के इतिहास की ओर रुख करें तो ऐसा उल्लेखित है कि पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। कहते हैं पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने की थी, परंतु स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को जो स्वरूप प्रदान किया उससे श्री गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य है भगवान गणेश। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। इनका वाहन चूहा है। रिद्धि व सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं और शुभ एवं लाभ उनके पुत्र। गणेश जी का सर्वप्रिय भोग है लड्डू। ज्योतिष में इन्हें केतु का देवता भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जहां भगवान गणेश विघ्न हरता है वहीं उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि यशस्वी वैभवशाली व प्रतिष्ठित बनाने वाली हैं। साथ ही गणेश पुत्र शुभ लाभ हर सुख सौभाग्य देने के साथ उसे स्थायी और सुरक्षित रखते हैं। हाथी जैसा सिर होने के कारण इन्हें गजानन कहते हैं। इसके अलावा गणेश जी को गणपति विनायक लंबोदर वक्रतुंड महोदर एकदंत इत्यादि कई नामों से संबोधित किया जाता है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक है उनकी ये चार भुजाएं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर उनके उदर में विचरती है। गणपति के बड़े कान
अधिक ग्राह्य शक्ति व पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक हैं और महाबुद्धित्व का प्रतीक है उनकी लंबी नाक। वैसे हम अपने हर कार्यक्रम में तीज त्यौहार के बारे में आपको अलग से बताते रहे हैं कि क्या है इन त्यौहारों की, इन तीज पर्वों की ऐतिहासिकता और पौराणिकता। हमने वैसे भी आपको अपने पिछले कार्यक्रमों में भारतीय संस्कृति और पर्वों से संबंधित पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों से तो अवगत कराया ही, साथ ही हमने बताया कि किस प्रकार से तीज पर्व से विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि गणेश महोत्सव से विज्ञान किस प्रकार जुड़ा हुआ है। आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। गणपति बाबा मोरिया उच्चा वर्षी लोकेरिया। गणेश मीन्स न्यू प्रोजेक्ट, शुभ लाभ, सिद्धि रिद्धि। आपको सिद्धि भी मिले, रिद्धि भी मिले, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिले और आपको सिद्धियां भी मिले उसके साथ में, जो है प्रॉस्पेरिटी भी मिले उसके साथ में जो है। तो गणेश जी का मतलब है कि वेन यू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर में आपको ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए। गणेश जी को पैदा किया पार्वती ने स्किन से, उसकी स्टेम सेल से उसने गणेश जी को पैदा किया। आप चाहते हो गणेश जैसा बनो, हाथी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हाथी का सर, सबकी सुनो बड़े बड़े कान, हाथी दूर तक उसको सुनाई देता है बड़े बड़े कान, दूरदर्शी, हाथी की आँखें छोटी हैं लेकिन दूर तक देखता है। दूरदर्शी का मतलब है मेक योर प्लान, ये मत सोचो कि मुझे इमीडिएट बेनिफिट क्या है, ये सोचो कि मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट क्या है। उसके साथ में है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हाथी की सूंड। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है विवेक, हाथी जो है सुई भी उठा सकता है, पेड़ को भी तोड़ सकता है हाथी की सूंड जो है, दैट इज पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक दांत टूटा हुआ है, एक दांत पूरा। डोंट गेट एक्साइटेड अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एंड डोंट गेट अपसेट इफ यू लूज समथिंग, दैट मीन्स स्थित प्रज्ञा। अपने शरीर को, अपने मन को कंट्रोल में कैसे रखें, लॉस एंड गेन आपको फर्क नहीं पड़ता। तो लॉस एंड गेन रिप्रेजेंट्स योर टूटा हुआ दांत एंड बड़ा हुआ दांत। छोटा सा मूव, यानी कि बोलो कम सुनो ज़्यादा, एंड वट एवर इन्फॉर्मेशन यू गैदर, गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन। बिग टमी, टोन निकली हुई है गणेश जी की, बिग टमी। बिग टमी के बाद में चार भुजाधारी, हैव स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को मत छोड़ो, दैट इज चार भुजाधारी। कंट्रोल योर अटैचमेंट्स, दो हाथ में रस्सी, ठीक है। कंट्रोल योर डिज़ायर्स, एक हाथ में लड्डू, एंड कंट्रोल्स योर ग्रीड, चूहे की सवारी। तो अगर आपने कोई भी काम करना है, इफ़ यू फील ऑब्स्टिकल्स इन वर्क, कोई भी काम करते हुए अगर आपको कोई रुकावट आती है, तो थिंक डिफरेंटली, हियर एवरीबडी, रिटेन ऑल इन्फॉर्मेशन, मेक योर गोल्स व्हाट यू वांट, स्पीक लेस लिसन मोर, रिटेन ऑल इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल योर डिजायर्स अटैचमेंट एंड ग्रीड, एंड कंट्रोल योर एंड यूज योर विवेक और पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड डोंट लूज योर स्ट्रेंथ, एंड यू विल बी ए सक्सेसफुल लाइक ए गणेश। सो गणेश टीचेस अस लाइक दैट। दर्शकों, वैसे तो हम बचपन से ही घरों में पूजा अर्चना करते आए हैं, सबके अपने अपने परंपराएं होती हैं, सबकी अपने अपने तरीके होते हैं पूजा पाठ करने के। कहा जाता है कि इन 10 दिनों में भगवान घर घर में, लोगों के दिलों में, लोगों के आत्मा में बसते हैं, तभी तो भक्त बड़े ही श्रद्धा भावपूर्ण और आत्मीयता के साथ स्तुति करते हैं भगवान गणेश की। बप्पा मोरिया की ध्वनि से चारों ओर का वातावरण गुंजायमान हो उठता है। बड़े ही उत्साह एवं एकजुटता के साथ यह पर्व मनाया जाता है। लोग भक्ति भाव से झूम उठते हैं, श्रद्धा व भक्ति के साथ की जाती है भगवान गणेश की आरती।
10 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व अपने साथ अनेक खुशियां और उम्मीदें लेकर आता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन होता है। गणपति विसर्जन में गणपति को एक बड़ी रैली नुमा सवारी में ले जाया जाता है। लोग अपने घर के छोटे गणपति से लेकर बड़े बड़े मंडलों के गणपति के साथ ढोल नगाड़े और अबीर गुलाल के बीच झूमते गाते गणपति को समंदर में विसर्जित करने व अंतिम विदाई देने आते हैं। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल दिया, हर तरफ यही नारा गूंज रहा होता है। कई जगहों पर तीसरे, पांचवे या फिर सातवें दिन किया जाता है गणेश विसर्जन। 10 दिन के गणपति को अंतिम विदाई लोग इस उम्मीद के साथ देते हैं कि अगले साल गणपति फिर आकर सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सांसारिक कामनाएं इस संसार में आए प्रत्येक व्यक्ति को होती है। कई कामनाओं का संबंध मूल आवश्यकताओं से होता है। इसी इच्छा पूर्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार प्रयास करता रहता है, लेकिन भौतिक प्रयत्न से भी फल नहीं मिलने पर आशा स्वतः ईश्वरीय चमत्कार की ओर चली जाती है। ऐसा ही ईश्वरीय चमत्कार है भगवान गणेशोत्सव में। तो दर्शकों, अभी आपने जानकारी हासिल की गणेश महोत्सव पर्व के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके पौराणिक महत्व के बारे में, साथ ही उसके विज्ञान के बारे में। तो देर किस बात की, गणेश भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। साथ ही अगर जल्दी प्रसन्न करना है भगवान गणेश को, तो थोड़ा दूर्वा और 21 मोदक के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएं। हमारा यह प्रयास होता है कि हम घर बैठे सभी दर्शकों को भगवान की स्तुति कराएं, हम सभी पर्व और त्योहारों से आपको अवगत कराएं। यदि आप भी किसी खास पर्व या त्योहारों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं या कोई जानकारी देना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आस्था भवन, A105, सेक्टर 5, नोएडा 201301, और हमारा ईमेल आईडी है response@aasthatv.com। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को आस्था परिवार की ओर से गणेश महोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमें दीजिए इजाजत। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।